लोकसभा चुनाव 2024 काफी नजदीक आ गए हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल बरकरार है। लगातार प्रत्याशियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बता दें कि नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी का कहना है कि सांसद अजय भट्ट की अपनी आधी से ज्यादा सांसद निधि खर्च न कर पाने का आरोप तथ्यात्मक तौर पर प्रमाणित हो गया। साथ ही जोशी ने कहा कि अजय भट्ट चुनाव आयोग में शिकायत करके अपने जाल में खुद फंस गए। ये पूरा मामला 11 अप्रैल का है, जब रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रिटर्निंग ऑफिसर से कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश जोशी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के बारे में शिकायत की थी। अजय भट्ट का आरोप था कि विज्ञापनों में उनकी सांसद निधि को लेकर प्रकाश जोशी द्वारा गलत बातें कही गयी। उन्होंने कहा कि विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेख किया गया कि उन्होंने अपने निधि का केवल 40% खर्च किया और शेष राशि वापस कर दी, जिस पर आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी को 48 घंटे में जवाब दाखिल करने का नोटिस दिया था। लेकिन प्रकाश जोशी ने पलटवार किया और कहा कि केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की वेबसाइट पर आधिकारिक आंकड़ा है। इस आंकड़े के साथ उन्होंने चुनाव आयोग को अपना जवाब रविवार को प्रस्तुत कर दिया है।